क्लास फोर EVS चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। हेलो क्लास फोर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EVS क्लास। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर। टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 15, पेज नंबर 121, 122 एंड 124। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वैशाली और उनके फैमिली मेंबर्स उनके बाबूजी के कामों में कैसे हेल्प करते हैं। सभी मिलकर सब्जियों को अलग अलग करते हैं, जो सब्जियां अच्छे से नहीं पकी हुई है उसको अलग छांट कर रखते हैं और फिर उसको बोरी में रख देते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैशाली के बाबूजी सुबह के 7 बजे तक अपने सब्जी के ठेले को सजाकर बाज़ार के लिए निकल जाते थे, जिससे उनके रेगुलर सब्जी खरीदने वाले दूसरी दुकान से सब्जियां ना खरीदे। छोटू स्कूल से आने के बाद भैया और बाबूजी के लिए खाना लेकर जाता था और वह थोड़ी देर सब्जी के ठेले पे भी रहता था। वैशाली के बाबूजी यह कोशिश करते थे कि पिछले दिनों की सब्जियों को पहले बेचे। जब उनके पहले की सब्जियां बिक जाती थी तब भैया फ्रेश वेजिटेबल्स बोरी में से लाकर ठेले पर रख दिया करते थे और वे सब्जियों पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहते थे, खासकर गर्मियों के दिनों में, जिससे कि सब्जियां सूखे नहीं। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भैया और बाबूजी 10 बजे तक घर वापस आते थे। तब तक छोटू और वैशाली सो जाते थे। घर के सभी लोग 11 से 11:30 तक सो जाते थे और फिर वे दूसरे दिन सुबह 3 बजे उठ जाते थे। स्टूडेंट्स, सब्जी बेचने वाले या फिर ऐसे काम करने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही स्ट्रगल होता है। नाउ पेज नंबर 124। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 124 में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं, जिसे हम लोगों को अलग अलग करना है कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल कुछ दिनों तक सही रह सकते हैं। सो हैव अ लुक पेज नंबर 124। कुछ सब्जियां और फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे स्पिनेच, टोमेटो, गार्ड, कुकुम्बर और कुछ बनाना, चीकू, कैबेज, ग्रेप्स। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन सी सब्जियां और फ्रूट्स हैं जो कि कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे कि पोटैटो, पियर, पाइनएप्पल, ओनियन, जिंजर। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जो कि छूने में स्मूथ हो और जो छूने में रफ़ हो। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स टच करने में स्मूथ होते हैं। स्पिनेच, बनाना, टोमेटो, पियर, गार्ड, कुकुम्बर, ग्रेप्स, ये ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसे हम टच करते हैं तो हमें स्मूथ फील होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें टच करने में रफ़ फील होता है। पोटैटो, चीकू, पाइनएप्पल, ओनियन, कैबेज, जिंजर। ओके स्टूडेंट्स, डैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। डैट्स ऑल, थैंक यू।